वेलकम। आज हम पेनोरमा बुक का लेसन नंबर फर्स्ट द टाइगर किंग पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं कल्कि। सबसे पहले हम इस राइटर के बारे में जान लेते हैं। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति अपने पेन नेम कल्कि के नाम से ज़्यादा अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। वो जो तमिल राइटर, जो एक तमिल लेखक थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे, पोइट, कवि थे, क्रिटिक, आलोचक एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ही डिराइव्ड हिज पेन नेम कल्कि फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति। उन्होंने अपना पेन नेम कल्कि अपने स्वयं के नाम कृष्णमूर्ति और अपनी पत्नी के नाम कल्याणी के सफिक्स से प्राप्त किया था। हिज राइटिंग्स इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उनके लेखन में अनेक संख्या में छोटी कहानियां शामिल है, 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास, एडिटोरियल, संपादकीय एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स और राजनीतिक लेखन, फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज, फिल्म और संगीत की समीक्षाएं भी शामिल है। नाउ वी सी अबाउट द स्टोरी। द टाइगर किंग इज ए स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन। द टाइगर किंग एक जिद्दी और बहादुर व्यक्ति की कहानी है। इट वॉज प्रेडिक्टेड और यह भविष्यवाणी की गई थी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय, दैट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, एक टाइगर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स, इसलिए उसने सभी टाइगर्स को मार देने का निश्चय किया। ही किल्ड मेनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रुएलिटी, बड़ी ही निर्दयता के साथ उसने अनेक टाइगर्स को मार डाला। हिज विम टुक लाइफ ऑफ सो मेनी इनोसेंट एनिमल्स, उसकी सनक ने अनेक निर्दोष जानवरों के जीवन को ले लिया था। बट वॉट इज टू बी मस्ट हैपन एट एनी कॉस्ट एंड सो इट हैपन, लेकिन जो कुछ होना होता है वह किसी भी कीमत पर हो जाया करता है। आफ्टर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, इतने सारे टाइगर्स को मारने के बाद, ए स्मॉल वुडन टाइगर कॉज्ड हिज डेथ, एक छोटा सा लकड़ी का शेर उनकी मृत्यु का कारण बना। दस केम द पेनफुल एंड ऑफ ए हार्टलेस किंग, इस प्रकार एक निर्दयी राजा का दुखद अंत हुआ, हु हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसका वन्य जीव के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यूनिट फर्स्ट। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। ये जितने भी नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ये प्रतिबंधपुरम के महाराज के टाइटल्स थे, उनकी उपाधियां थी और उनको इन नामों से भी जाना जाता था। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग, लेकिन इस नाम को प्राय छोटा करके टाइगर किंग कर दिया गया है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं ये बताने के लिए आगे आया हूं कि वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, तो उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, मेरा आगे बढ़ करके बहाना बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रावल, सुनियोजित तरीके से इसको खत्म कर देने का,
यानी इस कहानी को सुनियोजित तरीके से खत्म करने का और आगे बढ़ने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तूक बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यहां तक कि स्तूक बम वर्षा करने वाला विमान भी मुझे अपने मार्ग से नहीं भटका सकता। द स्तूक इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी, यदि स्तूक चाहे तो वह जल्दी से जल्दी मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट और शुरुआत से ही इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में अति महत्वपूर्ण मामले को डिस्क्लोज कर देना, यहां पर उजागर कर देना अति आवश्यक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ा है विल एक्सपीरियंस, वह अनुभव करेगा द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, का आमने सामने उनके अदम्य साहस, ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से मिलने की हर एक व्यक्ति स्वाभाविक इच्छा रखेगा। इनडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसके पूरा करने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड, टाइगर किंग अपने अंतिम निवास स्थान के ऊपर पहुंच चुके हैं ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जहां पर सभी जीवित प्राणी चले जाया करते हैं। इन अदर वर्ड्स और दूसरे शब्दों के अंदर कहें द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उनकी मृत्यु का जो तरीका था वह भी विलक्षण रुचि का विषय था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसे केवल कहानी के अंत के अंदर प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट, और उनकी मृत्यु का जो रोमांचकारी अवधारणा थी वो ये थी, एज सून एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही उनका जन्म हुआ एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, वास्तव में टाइगर किंग को एक दिन मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, ये बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वालोड हार्ड, उन्होंने अपने होठ चबाए और बड़ी मुश्किल से थूक गिटका। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब बात जारी रखने के लिए बाध्य किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो ज्योतिषी ये बात लेकर के आए कि दिस इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी हमें बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, वह बच्चा जिसने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, ठीक उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्स्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से आश्चर्यजनक शब्द प्रकट होने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स,
हे बुद्धिमान भविष्यवेताओं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन, हर कोई सम्मोहन के अंदर आकर जड़वत हो गया। ट्रांसफिक्स का मतलब होता जड़वत हो जाना, स्टुपिफैक्शन का मतलब होता सम्मोहन के अंदर आकर के। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे आंखें फाड़ करके एक दूसरे को देखने लगे और अपनी पलकें झपकाने लगे। ब्लिंक का मतलब होता पलकें झपकाना। ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवेताओं, इट वॉज आई हु स्पोक, वह मैं था जो बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार संदेह के लिए कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज एगो, यह वह नवजात बच्चा था जो मुश्किल से 10 दिनों का था। हु हैड इनन्सिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने न शब्दों का एकदम स्पष्ट उच्चारण किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टल्स, मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बड़ी ही तन्मयता के साथ में वो उस बच्चे को देखने लगे। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे सभी जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और ये जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इस बात में कोई समझदारी हो सकती है। इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप उस मृत्यु के तरीके को बता सके, यदि आप उस मृत्यु के तरीकों को बता सके तो उसमें कुछ समझदारी हो सकती है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, उस शाही नवजात बच्चे ने इन शब्दों को अपनी तीखी आवाज के अंदर बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली अपने नाक के ऊपर रखी। इन वंडर आश्चर्य में उस मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली को अपने नाक पर रखा। ए बेबी बैरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का है बोलने के लिए अपने होठों को खोल रहा है। नॉट ओनली दैट, और केवल इतना ही नहीं है, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और यह बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी उठा रहा है। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, यह तो तथ्यों के बजाय युद्ध के कार्यालय से जारी होने वाले समाचारों के जैसा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली को अपने नाक से हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को उस राजकुमार के ऊपर टिका दिया। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, इस राजकुमार का जन्म वृषभ लग्न में होया हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, वृषभ और सिंह एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए टाइगर से इसकी मृत्यु होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसे ज्योतिषी ने इसको व्यक्त करते हुए कहा। यू मे थिंक, आप सोच सकते होंगे, दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोवन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब जंग जंग बहादुर ने ये टाइगर शब्द सुना होगा तो शायद वो कांपने लगे होंगे। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने इस उच्चारण को सुना
द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोवल, राजकुमार ने एक गहरी गुर्राहट की। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्स्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से भयानक शब्द निकलने लगे। लेट टाइगर्स बी वेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर रिफ्ट इन प्रतिबंधपुरम, यह घटना प्रतिबंधपुरम के अंदर केवल एक अफवाह मात्र थी। बट विद हाइंड साइट, लेकिन पिछली घटनाओं के आधार पर वी मे कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि यह किसी सत्य के ऊपर आधारित थी। नाउ वी सी द यूनिट सेकंड। अब तक क्राउन प्रिंस के बचपन के बारे में बात बता रखी थी, अब जिलानी जंग जंग बहादुर का जो आगे का जीवन था उसके बारे में देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रो टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन ताकतवर और लंबे होते चले गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और जिस घटना का पहले से ही वर्णन किया जा चुका है उसके अलावा उनके बचपन में किसी भी चमत्कार को चिन्हित नहीं किया जा सकता। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ये बच्चा अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेज धाई के द्वारा इसका पालन पोषण किया जाता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा इनको अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जाती थी। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और इंग्लिश फिल्म्स के अलावा ये कुछ नहीं देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत के दूसरे राज्यों के राजकुमार किया करते थे, यानी इनका पालन पोषण ठीक उसी तरीके से हुआ था जैसा भारत के दूसरे राज्यों के राजकुमारों का हुआ करता था। When he came of age at 20, और जब वे 20 वर्ष की आयु के अंदर पहुंचे, the state व राज्य which had been with the court of wards, जो अब तक न्यायालय के अधीन चल रहा था, until then came into his hands, वह राज्य जो अब तक न्यायालय के अधीन चल रहा था यह उनके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उसे ज्योतिष की भविष्य उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी पता थी। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, अनेक लोग इस मामले पर लगातार डिस्कस कर रहे थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों के अंदर पहुंची। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत पता थी, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। देर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में शेरों को मार देने से किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन नहीं रहेगी। ऑब्जेक्शन का मतलब होता आपत्ति, का आत्मरक्षा के आत्मरक्षा में शेरों को मार देने से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, अब महाराज टाइगर हंट के लिए रवाना हो गए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेस्चर, महाराज असीम
रोमांच से भर गए। थ्रिल्ड का मतलब होता रोमांचित होना। वे असीम रोमांच से भर गए व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मार दिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए जानवर को दिखाया। What do you say now? He demanded. यहां पर ही राजा के लिए लगा हुआ है। अब आप क्या कहते हैं? तो ज्योतिषी ने कहा, Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. Your Majesty का मतलब होता महाराज का, महाराज आप इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से 99 शेरों को मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रावल्ड, वह ज्योतिषी अपने शब्दों को लंबा करने लगा। ड्रावल्ड का मतलब होता है शब्द लंबा करना। राजा ने कहा, बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या निर्भीक होकर के बोलिए। तो ज्योतिषी ने कहा, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें शेर से सावधान रहना पड़ेगा। महाराज ने कहा, व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, यदि 100वां शेर भी मार दिया गया तो क्या होगा? तो ज्योतिषी ने कहा, देन आई विल टियर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, फिर मैं ज्योतिष के ऊपर मेरी सारी किताबों को फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड और, महाराज ने कहा, एंड और क्या? तो ज्योतिषी ने कहा, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट्स, उस ज्योतिषी ने असंगत लयबद्धता के अंदर अपनी बात को खत्म किया। अब तक अपन ने 2 यूनिट्स पढ़ी है, इन दोनों यूनिट्स के अंदर आने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फाइंड कीजिए, उसका पता लगाइए कि इनका क्या क्या आंसर हो सकता है। हम यहां पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन का मैं आपको अर्थ बता देता हूं। फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट, जब टाइगर किंग केवल एक नवजात शिशु थे तो क्या चमत्कार घटित हुआ था। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ वाज प्रिंस जंग जंग बहादुर ब्रॉट अप, प्रिंस जंग जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ था। और थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन थे, वाई डिड ही गेट दैट नेम, और उन्होंने ये नाम क्यों प्राप्त किया था। 2 यूनिट तक का अपना ये चैप्टर है। वैसे बताया था कि ये चैप्टर जो है वो अपना 5 यूनिट के अंदर बंटा हुआ है। अगले यूनिट के अंदर हम अगले वीडियो के अंदर हम अगले चैप्टर अगले यूनिट्स को देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।